स्टूडेंट्स, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आप ये रे डायग्राम को कॉपी कीजिए और इसकी रे को आगे कंप्लीट कीजिए। तो ये हमने जो रूल किए थे कनकेव मिरर के, ये कनकेव मिरर है हमारे पास, तो उसके हमने रूल्स किए थे कि उस पे रेज हम किस तरह से फॉल करवा सकते हैं और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती हैं। तो हमें दिया गया है कि ये रे फोकस से जा रही है, तो हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग कि जो रे फोकस से पास होकर मिरर से स्ट्राइक करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हम आगे इसको इस तरह से कंप्लीट कर देंगे, ये एरो लगा के इसको दिखा देंगे भी इस डायरेक्शन में जा रही है। इससे नीचे वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक कनकेव मिरर दिया गया है और इसमें ऑब्जेक्ट जो है, ये रेड कलर का ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का टॉप है, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा गया है। तो अब याद करिए जो रे डायग्राम आपको करवाए थे, जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, सी से बाहर बनती है। तो हम इस इमेज को दिखाएंगे कैसे, तो हम अपने रूल्स का यूज़ करेंगे। हम इसके टॉप से दो रेज लेंगे जिनको हम रूल के अकॉर्डिंग मिरर पे फॉल करवाएंगे और रूल के अकॉर्डिंग ही उनको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहाँ मिलेंगी वहाँ पर हमारी इमेज का क्या बनेगा, टॉप बनेगा। टॉप से ली हैं तो वहाँ इमेज का टॉप बनेगा। तो जैसे फर्स्ट रे मैंने ये ली, पैरेलल ली, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। और सेकेंड रे मैंने पोल की तरफ ली और पोल वाले जितने एंगल पे आए उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये दोनों रेज यहाँ मिल रही हैं, यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट का टॉप बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट था, सीधा था, इरेक्ट था, इमेज इसकी क्या बनी, इन्वर्टेड बनी और ये रियल इमेज बनी है। अगर यहाँ पर कोई स्क्रीन होती तो वहाँ उस स्क्रीन पर ये इमेज बन जाती। इसको इस तरह से करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिखाया गया है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर रखा हुआ है, ये रेड कलर का ये ऑब्जेक्ट है, सी पर रखा हुआ है। तो अपने रे डायग्राम याद कीजिए, सी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज भी वहीं बनती है। तो यहाँ पर हम दो रेज लेंगे, पहली पैरेलल कहाँ से पास होगी, फोकस से, और दूसरी हम फोकस से लेंगे, वो कैसे जाएगी, पैरेलल। तो ये दोनों बिल्कुल सी पे ही मिल रही हैं, तो जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतने साइज़ की इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है सेम साइज़ की और इन्वर्टेड इमेज है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो हैं करने हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने कनकेव मिरर के सामने रखना है, ये कनकेव मिरर हमने बना लिया और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है कि इन चार पोजीशन में से कौन सी पोजीशन पे रखने पर हमारे पास क्या बनेगी, एक डिमिनिश्ड रियल इमेज बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज़ की रियल इमेज बनेगी। तो हमारे केसेस जो हमने कनकेव मिरर के 6 केसेस किए थे उन्हें याद करिए। हमारे पास जब हम सी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सी पर ही इमेज बनती है, सेम साइज़ की बनती है। जब हम सी और एफ के अंदर रखते हैं तो हमारी सी के बाहर इमेज बनती है, बड़े साइज़ की बनती है। जब हम सी के बाहर ऑब्जेक्ट रखें तो हमारी इमेज क्या बनती है, सी और एफ के अंदर बनती है, छोटे साइज़ की बनती है, इन्वर्टेड नीचे की तरफ रियल इमेज बनती है। तो इनमें से देखेंगे हम, तो डिमिनिश्ड रियल इमेज कब बनेगी, जब हम सी से बाहर ऑब्जेक्ट रखेंगे। सी कितना है हमारा, ये यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है फोकल लेंथ, और ये डबल होती है फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये 20 हो गया। तो सी से बाहर रखनी है तो कौन सा डिस्टेंस आएगा इनमें से, 25। तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखने पर हमारी इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड रियल इमेज बनेगी। और मैग्नीफाइड रियल इमेज कब बनेगी, वही जब सी और एफ के अंदर रखें तो इमेज कहाँ बनती है, सी से बाहर बनती है, बड़ी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। तो मैग्नीफाइड रियल इमेज के लिए कितना डिस्टेंस होगा, ये इतना 10 है तो यहाँ तक सी पर 20 हो जाएगा, लेकिन वहाँ सेम साइज़ की इमेज होती है, हमें मैग्नीफाइड रियल चाहिए। तो सी और एफ के अंदर रखेंगे यानी 15 सेंटीमीटर पर रखेंगे। तो 15 सेंटीमीटर पर रखने पर हमें कैसी इमेज मिलेगी, मैग्नीफाइड और रियल इमेज मिलेगी, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। तो ये वही केस है जो मिरर में यूज़ किया जाता है, कनकेव मिरर में, जब शेविंग मिरर होते हैं या मेकअप मिरर होते हैं, डेंटिस्ट वाला मिरर होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ के अंदर रख देते हैं तो इसकी क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, मिरर के अंदर मैग्नीफाइड इमेज बनती है यहाँ पर। तो उसके लिए कौन सा डिस्टेंस होगा, 8 सेंटीमीटर। तो हम जब 8 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनेगी।
और इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट वो कब बनेगी, जब हम सी पे रखेंगे, और सी कितना है यहाँ पर 10 और 10 20, तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखने पर हमारी इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है, और इसको अच्छे से रे डायग्राम आपको सारे पता होने चाहिए, कहाँ रखने पर इमेज कैसी बनती है, कहाँ बनती है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के। इसके बाद ही हम इनके न्यूमेरिकल जो हैं मिरर फार्मूला की हेल्प से वो कर पाएंगे। पहले हमें रे डायग्राम्स अच्छे से पता होने चाहिए, कहाँ रखने पर कैसी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड या इरेक्ट वर्चुअल कैसी इमेज बनती है। तो इन्हें अच्छे से कर लीजिए।